कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल विद न्यू ब्लॉग। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, उसके लिए सॉरी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुंबई से आने के बाद और होली मनाने के बाद थोड़ी सी तबीयत मेरी थोड़ी सी डामाडोल हो गई थी, तो 2-3 दिनों तक मैंने ब्लॉग ड्रॉप करके रखा था। मेरा लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा था, मुंबई देखा होगा, मुंबई का था। और उसी के दूसरे दिन मैं अपने घर के लिए निकल गया था, तो बस अभी अपने घर पर हूँ। तबीयत वगैरह सारी चीज़ें ठीक हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं एक पार्क जो काफ़ी दिन पहले भी गया था, लेकिन उस समय लॉकडाउन का प्रक्रिया चल रहा था तो वो बंद था। लेकिन आज ममता बोली कि चलिए आज भी देखते हैं खुला है कि नहीं खुला, तो चलिए चलते हैं। हंस जा रहा है हमारे साथ, हंस रेडी है, डांट खा रहा है, कुछ भी चीज़ ठीक से नहीं करता। ममता भी रेडी है, आयुषी रेडी है, लेकिन आयुषी को लेके नहीं जाना है, तुम घर में रहना हंस। चलो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग में हाय कर दूँ। हाय करो, हाय करो ना। आज ब्लॉग में नहीं आ रहा, हाय कर दो। मम्मी भी रील्स बनाएगी। आज इसका बाल काटे हम लोग। पापा, मम्मी भी रील्स बनाएगी। रील्स बनाएगी, अच्छा तो है। तो चलिए गाइस, आज जाने अंश मतलब ब्लॉग में नहीं आ रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा, तो चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा पार्क के पास। इधर देखो, एक बार देखो, मार खाया है अभी, तो चलो चलते हैं। पहुंच गया है कचड़ा पार्क। कचड़ा पार्क इसको नहीं बोल सकते, इसका नाम है कचड़ा पार्क, लेकिन इसका नाम है स्वच्छ चेतना उद्यान। इससे पहले भी एक बार आए थे, उस समय बंद मिला था, ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था उस समय बंद मिला था, और आज हम लोग आए हैं तो आज खुला है। और चलिए चलते हैं अंदर देखते हैं, फर्स्ट टाइम आया हूँ, बोलते हैं काफ़ी अच्छा बनाया गया है, तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, देखते हैं अंदर क्या क्या है। क्या अंश को गन्ना जूस पीना है, कितना ग्लास, एक निकल के पियेंगे ना बेटा, निकल के अभी पिएगा, चलो तुमको पिला। तो क्या यही है स्वच्छ चेतना उद्यान, दो चार अक्षर मिट चुका है और ये उसका मेन गेट है, और ये है गन्ना जूस। कितना ग्लास पिएगा अंश, दो। चलते हैं अंदर, देखिए ये है एंट्रेंस मेन गेट, हम लोग हैं अंदर, और वहाँ सामने लिखा है स्वच्छ अंबिकापुर। पैसा दिया ना यार, वहाँ पे है मिला, ये है प्रॉपर लाइटिंग। और बेसिकली इसको कचड़ा पार्क इसलिए बोला जाता है ना कि ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये इसमें पहले पूरा शहर का, जो हम लोग का शहर है अंबिकापुर, उसका कचरा डंप होता था। ये पूरे जगह पे जितना भी आप देख रहे हैं सारे जगह पे पूरा कचरा डंप होता था, तो ये मतलब ऊपर नीचे आप जो देख रहे हैं ये सब कचड़े को मतलब दबा के और उसके ऊपर ये सब स्ट्रक्चर बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, जितना भी आप ये घास वगैरह जितने भी देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर बनाई गई हैं। तो अंबिकापुर शहर में जितने भी कचड़े मतलब इकट्ठा होते थे उनको सीधा ला के यहीं पर डंप कर दिया जाता था, तो इसी को कचड़ा पार्क बोला है, इसी वजह से इसको कचड़ा पार्क बोला जाता है।
और उसी कचड़े को मतलब रिसाइकल करने के लिए बोल सकते हैं या रखने के लिए एक प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए थी जो छांट वाँट के रखते हैं, तो उसके लिए ये बनाया गया था सेट। इसी के अंदर जो भी कचड़ा मतलब अंबिकापुर शहर से इकट्ठा होने के बाद जो रिसाइकल जिसको यूज़ किया जा सकता है रिसाइकल करके, उसको ला के फिर यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से रखा जाता है। ये देखिए वो कचड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ी है ये, और काफ़ी अच्छा इसको डेवलप कर दिया गया है, बना दिया गया है। ये देखिए काफ़ी अच्छा डेवलप किया गया है ये चाइनीज़ ग्रास। ये देखिए क्या है बेटा? दिख रहा जमीन? वो तो है जमीन, भाई देखिए फाउंटेन। चलो आओ उधर घूमते हैं। क्या चीज़ बेटा? हाँ हाँ इधर बैठने बैठने के लिए भी है। तो काफ़ी खूबसूरत बना दिए हैं भाई इसको, किसे बोलते हैं ना चाइना, चाइना ग्रास। खेलो ना पूरा, देखो बच्चा कैसे खेल रहा है, खेलो। तो बहुत हल्ला करते हो, खेलते कम हो। देखो कैसे उछल उछल के खेल रहा है। दोस्त है तेरा? दोस्त है उनका ना। पूरा हेच ग्रास का कटिंग कितना प्यारा लग रहा है। काफ़ी अच्छा डेवलप कर दिए हैं इसको भी, धीरे 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 अभी और हो ही रहा है यहाँ पे काम। हाय कर दो अब। आज हंस का बाल कटा हुआ है और हाय करने में बेचारा शर्मा रहा है। बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छी जगह है बस, बड़े क्या करेंगे, बड़े आएंगे टहलेंगे और चले जाएंगे। वहाँ का पार्क कैसा कैसा है? वहाँ का पार्क में घूमा ही नहीं हूँ। गाइस काफ़ी बड़ा बन गया है यार, पहले तो काफ़ी छोटा था। इधर देखिए मैं आपको फूल दिखाता हूँ, कितने मस्त प्यारे प्यारे फूल हैं। हाँ रोड देखिए गाइस, रोड कितना अच्छा बना दिया, बहुत प्यारा बनाया गया है। ये वाला फूल कितना अच्छा लग रहा है। हाँ रुआ वाला फूल है ना, मस्त लग रहा है। ये शौचालय है, टॉयलेट, अगर आपको लगे तो बाथरूम जाके कर सकते हैं आप, पब्लिक टॉयलेट। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है पार्क। शाम को आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, हम लोग को थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, थोड़ा जल्दी आता। कुछ खाने वाने के लिए भी आप ला सकते हैं, वैसा कुछ इशू नहीं है, आप ला के आराम से। क्या हम लोग जब कार लूँगी तो सब लोग आएंगे।